दोस्तों, इस कोरोना काल ने तो हम मानव जाति को एक नया सबक ही दिया है कि जिंदगी में ना तो बंगला और ना ही गाड़ी का महत्व है, बल्कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि जीवन की हर स्थिति में खुद का या किसी का जीवन बचाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। लेकिन कई बार खुद की लापरवाही या फिर हॉस्पिटल की गैर जिम्मेदारी जैसे कई कारणों की वजह से इंसान अपनी जान गंवा देता है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ समय पर अस्पताल ना पहुंचने की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दरअसल ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया के लगभग हर एक देश के कानून के मुताबिक हर इमरजेंसी व्हीकल जैसे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ते से गुजरने का राइट है। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम भी एम्बुलेंस के अस्पताल ना पहुंचने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। दोस्तों, चलिए आज द मिस्टिकल एंड पर आपको दिखाते हैं कि दुनिया के अलग अलग देश एम्बुलेंस के सायरन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जापान, दोस्तों जापान और वहाँ का कल्चर दुनिया के सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और वहाँ की टेक्नोलॉजी हो या फिर वहाँ के लोगों की तहजीब सभी बाकी देशों की तुलना में बेहतर मानी जाती है। इसीलिए हमारी लिस्ट में सबसे पहली जगह भी शानदार देश के सभ्य लोगों ने बनाई है, जहाँ एक और कई देशों में कड़े नियमों के बावजूद लोग कानून का पालन नहीं करते, वहीं जापान के लोग कानून हो या ना हो खुद ही हर बार सिचुएशन में अपनी समझदारी का नमूना देते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कैसे जब एक एम्बुलेंस सड़कों पर निकली तो सायरन की आवाज सुनते ही गाड़ी वालों ने अपनी गाड़ी को रास्ते में साइड कर गाड़ी बंद कर दी और बड़े धीरज से एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया। किसी भी कार चालक ने अपनी गाड़ी के पहिए तक नहीं घुमाए जब तक एम्बुलेंस रास्ते से गुजर नहीं गई। सिर्फ इस मामले में ही नहीं, जापान कई और चीजों जैसे हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में भी बाकी देशों की तुलना में बेहतर है। अभी तो हाल ही में एक स्टडी के मुताबिक रहने के लिए जापान एशिया का सबसे अच्छा देश है। फ्रांस, हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर है यूरोप में स्थित देश फ्रांस, जहाँ एक और कई देशों में VVIP लोगों के चक्कर में एम्बुलेंस को ही रोक देते हैं। वहाँ फ्रांस में देश का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन भी एम्बुलेंस के लिए रास्ता देता है। इतना ही नहीं, फ्रांस शायद एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एम्बुलेंस के आगे पीछे पुलिस बाइक या गाड़ियां चलती हैं और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली करवाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार कुछ महान लोग ऐसे भी होते हैं जो एम्बुलेंस के सायरन को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि किसी इंसान को बचाने से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे में लोगों को लाइन पर लाने के लिए वहां की पुलिस एम्बुलेंस के आगे चलती है ताकि जल्द से जल्द मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। फ्रांस के एम्बुलेंस को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने का ये तरीका तो हमें बहुत ज्यादा बेहतरीन लगा। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी कभी ऐसा नियम बने तो वीडियो को जरूर लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये चीज शेयर करके उन्हें भी इस बारे में बताएं। चाइना, दोस्तों चाइना का नाम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आबादी ज्यादा होगी तो रोड पर गाड़ियों की कतार भी ज्यादा देखने को मिलेगी, और ऐसे में एम्बुलेंस का इन ट्रैफिक जैम से फंसना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो चलिए समझ आती है कि अगर लंबा ट्रैफिक जैम हो तो एक हद से ज्यादा इंसान क्या ही कर सकता है। लेकिन इस देश में तो कई बार ऐसे नजारे भी देखने को मिले हैं कि ट्रैफिक जैम ना भी हो तो भी एम्बुलेंस को कुछ ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। आप खुद ही देख लीजिए इस वीडियो में कैसे एम्बुलेंस रास्ता क्रॉस करना चाहती थी, लेकिन सब अपनी जल्दबाजी में लगे हुए थे। जब ट्रैफिक पुलिस ने आगे आकर एम्बुलेंस को जगह दी तब जाकर एम्बुलेंस रास्ते से गुजर पाई। हालांकि कई चाइना के इलाकों में ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जहां एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए ट्रैफिक जैम में मौजूद सारे कार चालक ने अपनी गाड़ियों को रास्ते के किनारे कर दिया। इंडिया, अगर हमारे देश भारत की बात करें तो यहां भी ज्यादा आबादी होने की वजह से सड़कें ट्रैफिक जैम से भरी हुई रहती हैं। ऐसे में अक्सर एम्बुलेंस को फंसा हुआ पाया जाता है, लेकिन कुछ नमूने ऐसे भी हैं जिनका काम शायद इतना जरूरी होता है कि वो एम्बुलेंस को ही ओवरटेक करने लगते हैं। इतना ही नहीं भैया, हमारे देश के VVIP लोगों की ऐसी ठाट बाट है कि एम्बुलेंस तक को उनकी वजह से रोक दिया जाता है। जहाँ एक और ऐसे दृश्य हमें निराश करते हैं तो वही हमारे देश के कुछ शहरों में ऐसे भी किस्से देखने को मिलते हैं जो हमारा दिल जीत लेते हैं और हमें गर्व महसूस कराते हैं। कनाडा, दोस्तों पिछले कई सालों में पढ़ाई हो या फिर जॉब, कनाडा लोगों का मनपसंद डेस्टिनेशन बन चुका है। कनाडा का नाम दुनिया के कुछ सबसे विकसित देशों की लिस्ट में शामिल है, और अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि कनाडा के लोग सबसे ज्यादा सॉरी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं।
अब ये सुनकर तो हमें भी यही लग रहा है कि एम्बुलेंस के सायरन से सारे कैनेडियंस सबसे पहले रास्ता खाली करेंगे, लेकिन इस वीडियो ने हमें भी हैरानी में डाल दिया। एक विकसित देश होने के बावजूद यहाँ एम्बुलेंस को हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुँचने के लिए कोई स्पेशल सुविधाएं नहीं है। हालांकि यहाँ भी हर देश की तरह ये नियम जरूर है कि एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ते से गुजरने देना चाहिए। इसके बावजूद आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इतना ट्रैफिक जैम होने के बावजूद एम्बुलेंस को लोग रास्ता जल्दी नहीं दे रहे और एम्बुलेंस गाड़ियों के पीछे पीछे चल रही है। अमेरिका, अब अगर दुनिया में सुपर पावर माने जाने वाले देश अमेरिका की बात करें तो उसका भी हाल हमारे देश जैसा ही है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि लंबे ट्रैफिक जाम के चलते एम्बुलेंस रास्ते पर अटकी हुई है और कैसे कुछ गाड़ियां एम्बुलेंस को रास्ता देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो हटने का नाम तक नहीं ले रही। क्या आपने कभी सोचा था कि सुपर पावर देश अमेरिका में भी सड़कों पर एम्बुलेंस का यही हाल होगा? ये देख तो हम एक ही बात कहेंगे कि दुनिया में चाहे कोई भी देश के लोग, सभी को एम्बुलेंस को देखते ये बात जरूर जहन में रखकर रास्ता देना चाहिए कि उसके अंदर कोई इंसान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों कि हम इंसानियत के नाते उसे आगे जाने का हक दें। दोस्तों, वैसे क्या आप ये फैक्ट जानते हैं कि कई देशों में तो एम्बुलेंस के ड्राइवर को ये पूरी छूट दी जाती है कि अगर कोई आपका रास्ता ब्लॉक करता है तो आपको उसको नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ने की पूरी छूट है, और अगर ऐसा करने में सामने वाले इंसान की जान भी अगर चली जाती है तो भी एम्बुलेंस ड्राइवर पर कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो ने आपको काफी ज्यादा जानकारी पहुंचाई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही आप हमारे चैनल डोमेस्टिका लैंड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।